गोदावरी दर्शन करने के बाद में अब हम लोग जो है जा रहे हैं सतना में मैहर जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर मैहर में पर शारदा जी का बहुत अच्छा एक भव्य मंदिर है। दोनों में टाइम डिफरेंस का देखा जाए तो लगभग ये सोचिए कि जो 10 मिनट में काम हो जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए आप पूरा चक्कर लगाएंगे तो 2 घंटे का चक्कर लग जाएगा पूरा। यहाँ से लक्ष्मण पहाड़ी से भी ऊँचा है वहाँ पर, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ सीढ़ियाँ थी, वहाँ हमको उस पहाड़ का गोल गोल चक्कर लगाना है, समझ सकते हैं आप। तो कितना ज़्यादा 3 चक्कर पूरे पहाड़ के हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और हाँ, टाइम है तो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए हम लोग उसका यूज करेंगे। और रोड अभी सिंगल है तो इसलिए हम यहाँ पर ड्राइविंग को प्रेफरेंस देते हुए वीडियो को भी बंद करेंगे, क्योंकि हमें टाइम के साथ साथ वहाँ जाकर पहुँचना भी है और दर्शन करना है, देन रिटर्न भी होना है। तो इसलिए अभी हम यहाँ पर ब्लॉग को बंद करके सीधे हम जो भी है तो कुछ खास होगा तब दिखाएंगे, अदरवाइज़ सीधे हम आपसे मिलेंगे मैहर माता जी के जस्ट जैसे पहाड़ पे पहुँचने वाले होंगे तब मिलेंगे, क्योंकि देखो रास्ते में मंदिर भी हैं, सब कुछ हर चीज़ पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो गाइज मिलते हैं तब, अभी के लिए हम ब्लॉगिंग को यहीं प्रॉप करते हैं। गाइस तो हम सतना आ चुके हैं, अभी सतना में खड़े हुए हैं, थोड़ा सा कुछ एटीएम से पैसे वैसे निकाल लें, क्योंकि रास्ते में कहीं पे भी एटीएम नहीं दिखा, और फ्यूलिंग भी करवा ली थी गाड़ी में लेकिन एटीएम से ही करवाए थे तो थोड़ा अमाउंट जेब में होना ज़रूरी है जितना था, तो हम लोगों से तो में खत्म कर लिए। तो एटीएम से पैसे निकालने के बाद फिर से निकलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास में, 5:26 हो चुका है। हमारी कोशिश रहेगी कि 7 बजे तक मैहर पहुँचें, और पहुँचने के बाद में रोपवे के द्वारा जल्दी चलें, मतलब 8 बजे तक अगर दर्शन करके वापस आ जाते हैं तो बहुत बेस्ट है, तब सब कुछ तो सही है, अदरवाइज फिर टाइम लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। फिर Yeah.